जान बुझ के लूट रहे पता है। है जहां पे 28 नवंबर को हॉटशॉट फ्री फायर एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। हॉटशॉट की अगर वीकनेस की बात करें तो थोड़ा सा उन लोगों को स्टे करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि वो टीम्स जो फाइनल्स में पहले से खेल रही हैं, ऑब्वियसली उनका जो एक प्रैक्टिस लेवल, उनका जो एक एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा। आप किसी भी टीम पर डायरेक्टली रश नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को वीक पाएंगे, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ है कि अगर टीम हॉटशॉट को स्नाइपर्स मिल जाती हैं तो टीम हॉटशॉट बाकी एक डेडली टीम है और सामने वाले ओपोनेंट को पछाड़ सकती है। एक दिन रह गया बस, प्रैक्टिस वगैरह हम लोग कर रहे हैं, अपनी तरफ से जितना हो सकता है बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दिन पे डिपेंड करता है, लेट्स सी। सारी टीम भी टफ है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि सारी सब 12 की 12 टीम जो है ना नेशनल चैम्पियंस हैं और प्लेइंग से 2-4-5 टीम जाएंगी हैं, तो सबकी सब टीम टफ हैं। थोड़ा सा तो प्रेशर है, मतलब क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इसलिए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। स्ट्रेटजीज वगैरह पे वर्क किया है काफ़ी हम लोगों ने, अभी मैप से हमारे पास जैसे हमने सब चीज़ें देखी हैं, चीज़ें लोग मतलब हर टीम को रीड किया है, नहीं उनकी जो किस तरह खेलते हैं, किस तरह करते हैं, क्या मैप्स में क्या करते हैं, तो सब चीज़ हमने देखी है उनकी, और काफ़ी तक हमारी भी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है, तो बस अपना वहाँ पे अब खेलना है हमने 28 तारीख। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जो स्पोर्ट करते हैं वो ऐसे ही करते रहें, और हार जीत तो गेम का हिस्सा है, आपकी स्पोर्ट होगी तो हमें हौसला मिलेगा। और तो अल्लाह हाफिज़। देखें FFAC का फाइनल 28 नवंबर को दोपहर 3 बजे और पाएं मौका ढेरों इनाम जीतने का।